क्वेश्चन है, ए बॉल ऑफ मास 2 kg स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 10√2 m/s एट एन एंगल ऑफ 45 degree एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड एट एंगल ऑफ 45 degree. एक बॉल है जो ग्राउंड से टकराती है विद एंगल ऑफ 45 10√2 m/s से और रिबाउंड हो जाती है उतनी ही वेलोसिटी से विद एंगल ऑफ 45 degree. शोन इन द फिगर, फाइंड इंपल्स इंपार्टेड बाय द ग्राउंड ऑन बॉल. इंपल्स बताना है क्या होगा. तो इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम. इंपल्स हमारे पास क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है. तो पी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, पी इनिशियल. दिस इज इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम. ओके, तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में निकालेंगे. ये वाला 45 है तो दिस एंगल भी 45, तो 10√2 ये भी कितना हो जाएगी 10 m/s एंड दिस वन इज 10 m/s. ओके, जब यहाँ पे आएगा वेलोसिटी तो इसकी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ और इधर हो जाएगी. ये वाला एंगल 45 है तो ये क्या हो जाएगा 45, ये क्या हो जाएगी 10 m/s एंड दिस वन इज 10 m/s. तो हमारे पास इंपल्स क्या हो जाएगा, P फाइनल हमारे पास क्या है 20, यानी कि m into v होता है, m final माइनस m इनिशियल v इनिशियल ये होता है. तो P फाइनल हमारे पास क्या है, m1 v1 यानी कि 20 j कैप 20 i कैप प्लस 20 j कैप माइनस ये हमारे पास निकले तो 20 i कैप और माइनस 20 j कैप ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 20 i कैप प्लस 20 j कैप माइनस 20 i कैप और प्लस 20 j कैप. तो आंसर क्या जाएगा, i से ही कैंसिल तो 40 j कैप हमारे पास क्या आ जाएगा, इंपल्स. इंपल्स कितना आ जाएगा, 40 j कैप. इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम. तो इनिशियली हमारे पास ये थी, फाइनल ये थी, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंट आ गया 40 जेकब. दिस इज द क्वेश्चन, सॉरी चेंज इन इंपल्स.